पीएम मोदी ने हिरोशिमा में की जापान के पीएम फुमियो किशिदा के साथ बैठक। एनएसए अजीत डोवाल भी साथ रहे मौजूद। पीएम मोदी ने हिरोशिमा में किया महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण। बापू को फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा कि बापू के आदर्शों पर ही चलकर दुनिया आतंकवाद और क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों को जीत सकती है। पीएम मोदी की आज यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से होगी मुलाकात। द्विपक्षीय बैठक में यूक्रेन रूस युद्ध पर हो सकती है चर्चा। पीएम मोदी आज दोपहर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ करेंगे मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच होगी द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी जापान में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के 2 सत्र में आज हिस्सा लेंगे। पहले सत्र में खाद्य, स्वास्थ्य और लैंगिक समानता पर बातचीत होगी। G7 शिखर सम्मेलन के 2रे सत्र में मौसम, ऊर्जा और पर्यावरण पर चर्चा की जाएगी। पीएम मोदी भी करेंगे विचार साझा। पीएम मोदी आज शाम को 4:30 बजे क्वाड की बैठक में शिरकत करेंगे। क्वाड देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दखलंदाजी पर चर्चा होगी। बेंगलुरु में आज सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार का शपथ ग्रहण समारोह। कांग्रेस ने की है ग्रैंड समारोह की तैयारी। सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार श्रीकांति रिवा स्टेडियम में दोपहर 12:30 बजे करेंगे शपथ ग्रहण। 20 और मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका रहेंगे मौजूद। कांग्रेस के सीएम अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी न्योता दिया गया है। शपथ ग्रहण के मंच पर होगा विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन। सहयोगी सरकार के सीएम नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन और एम के स्टालिन भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के न्योते पर शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, तेजस्वी यादव, सीताराम येचुरी, डी राजा और उमर अब्दुल्ला रहेंगे मौजूद। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे भेजेंगे प्रतिनिधि। दिल्ली में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के घर पर देर रात तक चली बैठक। सिद्धरमैया, डीके शिव कुमार और कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला मौजूद थे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका। ट्रांसफर पोस्टिंग पर दिल्ली सरकार को मिले अधिकारों को केंद्र सरकार ने पलटा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जारी किया अध्यादेश। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार दिए थे। केंद्र के अध्यादेश से सारे अधिकार वापस LG को दिए गए। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अब एक अथॉरिटी रहेगी। दिल्ली के सीएम इसके पदेन प्रमुख होंगे और मुख्य सचिव 2रे सदस्य और प्रधान गृह सचिव 3रे सदस्य होंगे। केंद्र सरकार के अध्यादेश पर दिल्ली के मंत्री आतिशी का केंद्र पर निशाना। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवालना बताया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी की केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत। कहा कि सीएम केजरीवाल का व्यवहार प्रशासकीय गरिमा के मुताबिक नहीं था। 2000 के नोट को लेकर RBI का बड़ा फैसला। नोट को सर्कुलेशन से बाहर किया। 23 मई से 30 सितंबर के बीच बैंकों में बदले जा सकेंगे 2000 के नोट। एक बार में 10 नोट ही चेंज होंगे। अकाउंट में 2000 के नोटों को जमा करने पर लिमिट नहीं होगी। 30 सितंबर के बाद भी 2000 का नोट रहेगा लीगल। नोटबंदी को लेकर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला। कहा कि बिना सोचे समझे लिया गया फैसला, अब पलट दिया गया। केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा कि पहले कहते थे 2000 के नोट से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब खुद ही नोट कर रहे हैं बंद। पाकिस्तान के एक ड्रोन ने भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। अमृतसर सेक्टर में BSF के जवानों ने पकड़ा। NCB के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वांखड़े आज CBI के सामने पेश होंगे। मुंबई के BKC स्थित दफ्तर में होगी पूछताछ। समीर वांखड़े ने अपने खिलाफ साजिश का लगाया आरोप। कहा कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा, CBI और केंद्र सरकार मुझे देगी न्याय। समीर वांखड़े ने कहा कि एक बड़े दबाव के चलते NCB की टॉप टीम ही कोर्ट बन गई। हमारी इन्वेस्टिगेशन गलत थी तो कोर्ट करती डिसाइड। आर्यन खान केस में बहुत बड़ा खुलासा। समीर वांखड़े और शाहरुख खान की चैट आई सामने। मैसेज के जरिए शाहरुख खान ने समीर वांखड़े से की थी अपील। लिखा था, मेरे बेटे को जेल में मत रखो, वो टूट जाएगा। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी आज कैश फॉर जॉब मामले में CBI के सामने पेश होंगे। सुबह 11 बजे कोलकाता के दफ्तर में पेशी। CBI के सामने पेशी से पहले बांकुड़ा में अभिषेक ने दी चुनौती। कहा कि मैं डरूंगा नहीं, मेरे खिलाफ कोई अगर सबूत है तो गिरफ्तार कर ले CBI। गृहमंत्री अमित शाह का आज से 2 दिन का अहमदाबाद गांधीनगर दौरा। आज 800 करोड़ की परियोजनाओं को जनता को सौंपेंगे। MP के सागर में आज से लगेगा बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार। 5 लाख से ज्यादा अनुयायी आने की उम्मीद। बाबा बागेश्वर के गुजरात दौरे पर भड़के पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला। कहा कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करती है BJP। नौटंकी वाले बाबा की कर रही है मार्केटिंग। माफिया मुख्तार अंसारी पर गाजीपुर MP MLA कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। 2009 में हुई हत्या के मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज हुआ था केस। पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की कम नहीं हो रही है मुश्किलें। लाहौर पुलिस ने ली है इमरान के घर जमा पार की तलाशी। इमरान खान के घर में पहुंचे लाहौर के कमिश्नर और DIG। पुलिस इमरान खान को सर्च वारंट दिखाकर कार्रवाई तलाशी। इमरान खान ने सेना के साथ टकराव से इनकार किया। कहा कि मेरी पार्टी को तबाह करने के लिए मुझे सेना के खिलाफ दिखाकर शाबाश सरकार साजिश कर रही है। स्टार फुटबॉलर से फिल्म स्टार बने जिम ब्राउन का निधन। 87 साल की उम्र में लॉस एंजलिस में देहांत हुआ। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़त का रुख बरकरार। $3.55 अरब की बढ़ोतरी दर्ज की गई। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार अब बढ़कर $599.53 अरब पर पहुंचा है। RBI ने जारी किए 12 मई को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। IPL में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले। पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टक्कर। दिल्ली में दोपहर 3:30 बजे मैच।
कोलकाता में लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच भिड़ंत, शाम को 7:30 बजे मैच। आईपीएल में कल मुकाबले में पंजाब की हुई हार, राजस्थान रॉयल्स की प्लेऑफ की संभावना बरकरार। राजस्थान ने पंजाब को हराकर आईपीएल से किया बाहर, 5वें स्थान पर पहुंची राजस्थान। आईपीएल की पॉइंट्स टेबल में गुजरात टाइटंस पहले स्थान पर काबिज, दूसरे पर चेन्नई, तीसरे पर लखनऊ और आरसीबी चौथे नंबर पर। कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर सपना चौधरी का डेब्यू, पिंक गाउन में अपने चटक मटक अंदाज में जीता फैंस का दिल। ऐश्वर्या राय कान फिल्म फेस्टिवल से वापस लौटी, बेटी आराध्या के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई। सारा अली खान भी कान फिल्म फेस्टिवल से लौटी, कहा कि ये अनुभव बहुत ही शानदार था।